अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त, जो मेरा सबसे फेवरेट है। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा? इसके लिए हमें बड़ी बेसिक चीज़ें, एक छोटा सा हमें प्याज चाहिए होगा, टमाटर चाहिए होगा, दो हरी मिर्चें चाहिए होंगी, शलजम चाहिए होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, गोश्त है जितना भी आप लेना चाहें, मटन है। अच्छा, इसके बाद हमें बेसिक मसाले चाहिए होंगे, और हमें क्या स्पेशल चीज़ चाहिए होगी? चीनी चाहिए होगी, क्योंकि हम लोग शलजमों में थोड़ी सी चीनी डालते हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं जिसका। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए होगा। ऑनियन लिया था छोटा सा, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। ये हम इसमें डाल के इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, इतना सा आपने ब्राउन करना है लाइट। इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की डाल रही हूँ, इसको हल्का सा ब्राउन कर लें आप, लाइट ब्राउन करना है बस, आपने ज़्यादा नहीं करना। ये अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। डाल दिए हमारे टमाटर, हो गए हैं ज़रा से नरम। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ, जो मैंने धो के और विनेगर में डिप करके रखा था 5-10 मिनट के लिए, और फिर मैं अब इसको, अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा गोश्त को अच्छी तरह इसमें पहले भून लेंगे। अच्छा जी, ये देखें गोश्त हम लोगों का भून गया है। 1.5 टीस्पून में डालूंगी सॉल्ट का, 1 टीस्पून में हल्दी की डालूंगी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर बस। ग्रीन चिली काट के रखी हुई थी, ये हम डाल देंगे बीच में, और इसको ज़रा सा मसालों को भी साथ इसके थोड़ा सा भून लेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए तकरीब। अच्छा, ये देखें हम लोगों का अच्छी तरह गोश्त जो है वो भून चुका है। अब मैं इसमें शलजम डालने लगूँ, जो ये देखें इस साइज़ के आप पतले से इस तरह के स्लाइस कर लें, इनको आप डाल लें इसमें, अच्छी तरह आप मिक्स कर लें इनको। हम इसमें तकरीबन मैं 1/2 कप पानी डालूंगी इसमें। हाँ जी, ये हम 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर देंगे। अच्छा जी, हमने कुकर खोला है, हमारा ज़बरदस्त गोश्त भी गल गया और हमारे शलजम भी हो गए हैं। ये देखें जी, शलजम का इतना सा पानी रह गया है, अब हमने इसको पानी को और खुश्क करना है। इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर, शलजम ऑलरेडी मीठे हैं, मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ शुगर के। मैं इसमें, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, मैं इसमें 1 टेबलस्पून और ऑयल का डाल रही हूँ। इसके पानी को हम थोड़ा सा और खुश्क कर लेंगे। लेकिन जी, हमारी ये अच्छी तरह शलजम जो है ये भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अच्छा, ये ज़रूर बनाएं, कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि जी शुगर डाल के बन रहा है, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर थोड़े से बना के ट्राई करें, आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, अब हम इसमें गार्निश करेंगे इसको फ्रेश धनिया के साथ, ठीक है, थोड़ा सा पहले डाल के इसको मिक्स कर लें, और इनको आपने बॉइल्ड राइस जो से हैं उनके साथ आपने सर्व करना है। और ये जी आपका, मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है बिल्कुल, ये अच्छी तरह भून गया, और ये आपका शलजम गोश्त तैयार है, स्पेशल किस्म का तैयार है। ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच जी।